सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुर्ड। दोस्तों, गूगल मीट के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। गूगल मीट को लैपटॉप में कैसे यूज करना है, मोबाइल में कैसे यूज करना है, कैसे ब्लर बैकग्राउंड यूज करनी है, कैसे न्यू वर्जन को यूज करना है एंड कैसे ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करना है अगर आपके पास न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप कस्टम बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो, मीन्स वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो कैसे करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस ऑप्शन को फ्री अकाउंट में यूज कर सकती हूं। पेड या प्रो अकाउंट कंपल्सरी नहीं है इस ऑप्शन के लिए। जैसे अभी मैं फ्री अकाउंट के साथ आपको शो करूंगा कि आपने वर्चुअल बैकग्राउंड को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है meet.google.com। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी साइन इन की। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपने अपना गूगल अकाउंट यहाँ पे फिल करना है। गूगल अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है। यूजर नेम फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास पासवर्ड फिल करने की ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, वर्चुअल बैकग्राउंड एडमिन एंड पार्टिसिपेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप मीटिंग को कंडक्ट करते हो तो भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो एंड अगर आप मीटिंग को ज्वाइन करते हो तो भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करूंगा। न्यू मीटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे थ्री ऑप्शन शो होगी, गेट ए लिंक और शेयर स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग। दोस्तों, अभी यहाँ स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करके मैं मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे आप मीटिंग को स्टार्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे कैमरा एंड माइक्रोफोन को अलाउ करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप अलाउ करोगे तो आपका यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल बैकग्राउंड को प्रॉपरली यूज करने के लिए आपके पास लाइट कलर की बैकग्राउंड होनी चाहिए। कंपल्सरी नहीं है कि ग्रीन कलर की हो, आप किसी अदर कलर को भी यूज कर सकते हो, बस कलर लाइट होना चाहिए। एंड जो आप क्लॉथ्स वियर कर रहे हो प्लेन एंड डार्क होने चाहिए एंड लाइटिंग ऑपोजिट टू फेस होनी चाहिए। अगर लाइट ऑपोजिट टू फेस है तो वर्चुअल बैकग्राउंड के ऑप्शन को आप प्रॉपरली यूज कर पाओगे। दोस्तों, वर्चुअल बैकग्राउंड को आप टू मेथड से यूज कर सकते हो, मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले एंड मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद। पहले हम देखें कि मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले आपने कैसे यूज करना है। दोस्तों, राइट बॉटम पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो होगी चेंज बैकग्राउंड की एंड आपके पास यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करके भी ऑप्शन आ जाएगी चेंज बैकग्राउंड की। दोस्तों, उसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगी। जैसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है स्लाइटली ब्लर बैकग्राउंड। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो स्लाइटली ब्लर हो जाएगी, थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ब्लर योर बैकग्राउंड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी बैकग्राउंड प्रॉपरली ब्लर हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है इमेज फ्रॉम डिस्क। अगर आप अपने लैपटॉप से कोई इमेज को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। दोस्तों, मैं बाद में आपको शो करूंगा कि अपनी इमेज को कैसे ऐड करना है। दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्री एडेड वॉलपेपर्स मिलेंगे, आप किसी भी वॉलपेपर को क्लिक करके यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आप मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद यूज करना चाहते हो तो कैसे करना है। मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपके पास यहाँ राइट बॉटम पे ऑप्शन आएगी थ्री डॉट्स की। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी चेंज बैकग्राउंड की। जैसे आप चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास सेम ऑप्शन शो हो जाएगी। एंड दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हो तो आप टर्न ऑफ बैकग्राउंड पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हो। एंड अगर आप इस ऑप्शन को फिर से यूज करना चाहते हो तो आप किसी भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड को यूज कर रहा हूँ। एंड दोस्तों, अगर आप कोई कस्टम बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इमेज चूज करने की ऑप्शन आएगी आपके डेस्कटॉप से, तो आपने अपने डेस्कटॉप से इमेज को चूज करना है। जैसे अभी यहाँ पे मैं इस इमेज को यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे आप इमेज को चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी और आप यहाँ पे मोर देन वन इमेज भी चूज कर सकते हो। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने थ्री इमेज ऐड कर ली है, अभी मैं एक और इमेज को यहाँ पे ऐड करूंगा। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल बैकग्राउंड में सिर्फ आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, वीडियो को ऐड करने की ऑप्शन अभी तक गूगल मीट में अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ आप लैपटॉप में यूज कर सकते हो, मोबाइल में अभी यूज करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसी मोबाइल में इस ऑप्शन की अपडेट रिलीज होगी तो मैं उसी समय आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपकी गूगल मीट या किसी अदर एजुकेशन ऐप के कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।